But some citizens are embracing the age of Big Brother. In Rotterdam, Holland, nightclub owner John Van Gallen has introduced a system of microchipping for his VIP patrons. It's almost like barcoding people. Yeah, it is. Because every chip got a number, and the number corresponds to the name and the picture. That's the way it is, yeah, it is. The microchip has to be surgically inserted under the skin, which means you'll have to have it cut out if you want it removed. Did it hurt getting the chip in? Okay, can I have a look? Yeah, of course. It feels like a little grain of rice. It's a rice, Irving has had the chip for the past 4 years. Every time he buys a drink, he's scanned. And, like a human ATM, money comes off his account. You don't feel like you're giving up a little bit of your primacy, do you? No. No. It's nice to have. You can say, I have a chip in my arm. I'm the first one in all the world. I have a chip. Yeah. Remember CCTV and monitoring. Thank you. Big Brother is here to stay. होशियार खबरदार, अपने जाली शनाख्ती कार्ड अब जेब में ही रखिए। इन्हें वोट डालने के लिए इस्तेमाल किया तो बायोमेट्रिक मशीन आपकी असलियत का पोल खोल देगी। जी हाँ, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बायोमेट्रिक सिस्टम से वोट डालने का तरीका मुतारिफ करवा दिया गया है। ये सिस्टम कैसे काम करेगा और इसकी कामयाबी के चांसेस कितने हैं, यही चेक करने के लिए पिशावर के कुछ नवाही इलाकों में तजुर्बाती तौर पर वोटिंग करवाई गयी। 25 से 30,000 रुपए मालियत की ये मशीन जिस भी हलका में जाएगी, वहाँ के तमाम वोटर्स का डेटा नादरा इसमें पहले ही महफूज कर चुकी होगी। फिंगरप्रिंट्स जो डेटा में मौजूद है उसके साथ मैच होता है तो वो वेरीफाई हो जाता है और हमें स्क्रीन पे उसका ब्लॉक कोड, सिलसिला नंबर, घराना नंबर, उसका नाम, एड्रेस और तस्वीर सब कुछ शो हो जाती है। ये भी याद रहे कि किसी और के हलका में अपना वोट डालने की कोशिश भी ये मशीन नाकाम बना देगी। बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत होने वाली पोलिंग देखने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान नासिर उल मुल्क पिशावर पहुंचे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सोनू खान बलोच को खदशा है कि ये मशीन अगर महंगी पड़ी तो इस पर दोबारा गौर किया जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा और इसमें पूरे सूबे के लोगों के जो है वो सहूलत को भी देखा जाएगा कि ये फंक्शन कहाँ तक ये काम करेगा। पिशावर में होने वाले बायोमेट्रिक सिस्टम के इस तजुर्बे की रिपोर्ट 31 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश की जाएगी। बायोमेट्रिक सिस्टम कितना मुअसर है, इसका हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही किया जाएगा। तिशाम खान, एक्सप्रेस न्यूज, पिशावर।